नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको A2 देसी काऊ वैदिक विलोना घी कैसे बनता है, जो कि पहले जो मेथड फॉलो किया जाता था तो उसी प्रकार से आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। गाय के दूध पर सबसे पहला हक उसके बच्चे का होता है, फिर हम मिल्किंग कर लेते हैं और फिर दूध को मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके गर्म करने के लिए रख देते हैं। दूध को गर्म करने का प्रोसेस पूरे दिन का रहता है। पूरे दिन यह गर्म हुआ दूध शाम को पक्के रेडी हो जाता है और इसके ऊपर लाल मलाई आ जाती है। फिर दूध को बिलोनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यह भी मिट्टी का ही बर्तन होता है जिसमें दूध बिलोया जाता है। फिर इवनिंग में दूध को जमाने के लिए इसके अंदर लस्सी डाल देते हैं और फिर यह सुबह तक दही बनके रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दही है। फिर इस दही से मक्खन को अलग करने के लिए बिलोना किया जाता है और हमारा यह पूरा प्रोसेस पुराने ज़माने वाला रहता है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग करते थे, पूरा हैंडमेड। इसी तरीके से बिलोना करके हम दही से मक्खन को अलग कर लेते हैं। फिर इस मक्खन को किसी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर इस मक्खन को घी बनाने के लिए धीमी धीमी आंच पर गर्म किया जाता है और फिर कहीं जाके हमारा A2 देसी काऊ घी बनके रेडी होता है। और यह A2 देसी काऊ वैदिक बिलोना घी हम ऑल इंडिया होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप भी बाय करने के इच्छुक हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।